दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह मैं नवीन मुंजाल जीसीसी फैकल्टी आज आपके सामने एक और एडमिशन ब्रोशर की अपडेट लेके आया हूँ। बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे हिमाचल प्रदेश वाले कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU जो कि लीड का एग्ज़ाम लेता था पहले, ठीक है, उसके फॉर्म कब आएंगे। तो भाई उसके फॉर्म आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं भाई, ठीक है। उसका जो ब्राउशर है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जो हिमाचल के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये अपडेट ही है, और जो हिमाचल के नहीं हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं, क्योंकि 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए भी हैं, तो वो लोग भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, COVID-19 की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, कि जैसे हरियाणा का एडमिशन नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ पर जैसे हरियाणा का एडमिशन नहीं हो रहा है ना, हरियाणा के एडमिशन के बाद जैसे अभी मैं हिमाचल का भी लीड का एग्जाम नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट परसेंटेज के भी आप लेगा HBTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैंने ये मेन वेबसाइट थी, ये इस मेन वेबसाइट से मैं अगर उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आता हूँ तो वो ये उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो सर आपको बड़े आराम से लिंक मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इवन मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे इसकी नोटिफिकेशन जो है वो डाल दी है दोस्तों, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम इंस्टाग्राम अगर GCC का अभी तक लीड कोचिंग इन GCC जाके चेक करोगे तो वहाँ पर आपको जो अपडेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये इसका इंटरफेस में यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो हम यहाँ पे अपना कोर्सेज सिलेक्ट करके, जैसे मेरा मैं BTech लेटरल एंट्री सेशन 2020-21 लेटरल एंट्री फॉर BTech, इसमें क्या कि 15% सीटें आउटसाइडर के लिए हैं, 65% सीटें हिमाचल प्रदेश के लिए, तो 80 हो गया, 5% सीटें और 5% सीटें सिर्फ फॉरनर NRI के लिए हैं, और जो 15% सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा की हैं, 15% सीटें मैनेजमेंट कोटा की हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 100% सीटें हैं, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बहुत कम है, तो हमें अच्छे अच्छे कॉलेज अलग अलग स्टेट के देखने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वो भी मैं अभी बता दूंगा प्रोस्पेक्टस में, इसमें टोटल 38 कॉलेज हैं, 38 में से कौन कौन से कॉलेज हैं, वैसे मेरी एक वीडियो सेपरेट है जिसमें मैंने अलग अलग स्टेट के कॉलेज बता रखे हैं कि कौन से कॉलेज बढ़िया हैं डिप्लोमा के बाद BTech करने के लिए, लेकिन तब हिमाचल प्रदेश का नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो में ख़त्म होने से पहले उस वीडियो को फटाफट से मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसके ब्राउशर पर जाता हूँ, ये इसका ब्राउशर है दोस्तों 2020-21 का, इसका ये ब्राउशर है, इसकी मैं इसमें जो ये BTech लेटरल एंट्री की, इसमें 22 जून को, आज 24 है, 22 जून को एप्लीकेशन निकले हैं, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 31 जुलाई, ठीक है। अभी आपका तो सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि सर हिमाचल में अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं, अच्छे कॉलेज भी बता रहा हूँ भाई, नीचे आ रहा हूँ मैं आपको, अभी मैंने इसकी डेट बता दी है, 22 जून को ओपन हुए हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके ब्राउशर पे फटाफट आगे मूव करते हैं कि एग्ज़ाम क्या हो, अगर एग्ज़ाम है तो कैसा है एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन के आएंगे, और अगर नहीं है तो ये सिंपली अगर प्रोस्पेक्टस फिल करना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है तो फटाफट से वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। अभी ये ऊपर तो कुछ ऐसा सच है नहीं है, इसके ये इंडेक्स हैं, इंडेक्स में अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे लायक यहाँ पे फीस आप लोगों के लिए और रिजर्वेशन सीट और टेंटेटिव सीट कितनी कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल हैं, ये हमारी देखने की चीज़ है पेज नंबर 9 पे, ठीक है। हम फटाफट इसमें एडमिशन प्रोसीजर में भी देख से 12 नंबर पे एडमिशन प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है। फटाफट मूव करते हैं नीचे, ये मैं आ गया हूँ BTech डायरेक्ट था 4 साल का ऊपर, ठीक है, उसमें एलिजिबिलिटी दे रखा है, एडमिशन क्राइटेरिया दे रखा है, सॉरी दोस्तों क्षमा करना, ठीक है। उसके बाद ये BTech लेटरल एंट्री का है,
बीटेक लेटरल एंट्री में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा होना चाहिए 45%, 45% चाहिए, 45% होने चाहिए, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। बीएससी वालों के लिए भी यही है, सी पार्ट में बीएससी अगर किसी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग मैकेनिक से इस उसमें फर्स्ट ईयर बीएससी में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी कर रहा है, कंप्यूटर से बीएससी कर रहा है, किसी और से बीएससी कर रहा है, अगर किसी ने डीवोक कर रखा है तो वो ए बी सी डी ई एफ सारे जो उसके कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि एडमिशन सेकेंड ईयर डिग्री जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन मिलता है, ये तो सबको पता है ऑलरेडी। ये किस बेसिस पे मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ डिप्लोमा। तो एच बी टी यू भी लेटर एंट्री का एग्जाम नहीं ले रहा है दोस्तों, ये एच बी टी यू में भी इस बार जो एडमिशन है वो स्ट्रिक्टली परसेंटेज के बेस पे होगा। अगर आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज जितनी ज्यादा है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। COVID-19 को देखते हुए ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कोरोना की वजह से एग्जाम जो है वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद ये बी आर्क लेटरल एंट्री, बी फार्मा, बी एस सी, बी बी ए, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर। एच बी टी यू के अंदर एम टेक है, एम फार्मी है, बहुत सारे कोर्सेज, एम बी ए है, ठीक है। लेकिन हमने बी बी टेक लेटरल एंट्री पे ही प्रकाश डाला है। जो मेरी लाइट है, जो मेरी एनर्जी है, वो सिर्फ बी टेक लेटरल एंट्री की तरफ ही ज़्यादा होती है। अब मैं आता हूँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में। रिजर्वेशन सीट में भाई 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट। तो लोगों को ये जानना होता है भाई हिमाचल प्रदेश जो की जो लीट निकली है उसके अंदर क्या आउटसाइडर भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की लीट को जो बाकी स्टेट के बच्चे हैं वो भर सकते हैं। बस आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए डिप्लोमा में। अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो बड़े आराम से आपको हिमाचल प्रदेश का जो टॉप का कॉलेज है बीटेक करने के लिए वो मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश के लिए वो मैंने बताया था 65 सीट फॉर नॉन रेजिडेंट एनआरआई के लिए 5% है। मैनेजमेंट सीट जो है पैसा से होती हैं, जो सीटें जो पैसा जिनके परसेंटेज अच्छी ना हो वो एनआरआई में ले लेते हैं, तो वो मैनेजमेंट में ले लेते हैं। वो 15% सीटें, 15% सीटें हैं वो टोटल सीट की, ठीक है। तो हर कॉलेज के अंदर अगर बीटेक की 60 सीटें है तो एआईसीटी के रूल के हिसाब से टोटल सीट का 10% सीट डिप्लोमा वालों को, यानी 6 सीटें। तो 6 सीटें करेंगे तो कितने कॉलेज हैं? 38 कॉलेज, 38 × 6 करेंगे तो इतना डिप्लोमा वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। मैं फटाफट कॉलेज पे मूव करता हूँ। ये मार्कशीट, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के टाइम की जो हैं वो तो है ही हैं, क्योंकि अभी का वीडियो का मेन मोटिव है कि आपको ये बताया जाए कि भैया फॉर्म निकल चुका है और फॉर्म भरना कैसे है ना। तो ये ब्राउचर में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो TWF कैटेगरी से भरेगा, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री है चाहे वो लेटरल एंट्री है, उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी भाई, ये बात ध्यान रखना। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भरेगा उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह है। मैं एक बार बस कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आप डिप्लोमा अगर आपने किसी किसी भी ब्रांच से करा, बीटेक आप किसी दूसरी ब्रांच से कर सकते हैं, है ना। बस आपकी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो काउंसलिंग होगी तो परसेंटेज के मद्देनजर रखते हुए होगी। और इसकी प्रोस्पेक्टस की फीस कितनी है, ये एप्लीकेशन को फिल करने की फीस कितनी है? मेरे हिसाब से 1550 जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 1400 है। वो बाकी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये बेटे कॉलेजेस की लिस्ट है जो ऊपर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट सुंदरनगर, ये मांडी में है। वैसे तो आईआईटी मांडी ज़्यादा फेमस है, लेकिन आईआईटी मांडी की वजह से जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर मांडी ये सरकारी कॉलेज है। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ये भी सरकारी कॉलेज है। मतलब ये सरकारी कॉलेज हैं, ये ठीक ठाक कॉलेज है, मतलब आप इनकी गिनती कर सकते हो जो लिस्ट नंबर 1 में है, लिस्ट नंबर 2 में है। बाकी तीसरे की मैं इतनी नहीं कहूँगा, तीसरे का इतना वेटेज मैं इतना नहीं कहूँगा। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं, जैसे ये ग्रीन हिल्स। भाई ग्रीन हिल्स की प्लेसमेंट बहुत ताबड़तोड़ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ग्रीन हिल्स कॉलेज, ये सारी सीट्स मैट्रिक के साथ दिया हुआ है।
जिस ब्रांच में जितनी सीटें सेंक्शन है उसका 10% निकालेंगे तो लेटरल एंट्री की सीट निकल आएंगी। जैसे जवाहरलाल नेहरू में सिविल ब्रांच के अंदर 6 सीटें हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू में मैकेनिकल में 6 हैं। इस तरीके से आपको ये प्रोस्पेक्टस का लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, इवन मैं ये टेलीग्राम ग्रुप GCC लीड कोचिंग इन GCC में भी डाल दूंगा। वेबसाइट आपको मैंने दिखाई दी है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट निकाली है, यहीं से मैंने ब्राउचर निकाला है दोस्तों। और अगर आपको परेशानी होगी तो उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ये अगर मैं इसका ऑनलाइन क्लिक करता हूं, अगर मैं इसको फिल करने का क्लिक करता हूं, तो ये ऑनलाइन साइट का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, तो मैंने उसमें ये जो लिंक दिया हुआ है आपको, मैंने ऑनलाइन का दिखाया, इसमें मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको वेरीफाई मेल करना पड़ता है, वेरीफाई मेल आ जाता है, मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल पे भी OTP आता है, मेल पे भी OTP आता है, OTP यहाँ पे फिल कर दीजिए, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपको ऐसा एक यूज़र नेम पासवर्ड ये मिल जाता है, एप्लीकेशन नंबर BTEC लेटरल एंट्री का, उसके अंदर आपको भरना क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल है, एंट्रेंस एग्जाम डिटेल है, पेमेंट डिटेल है। एंट्रेंस एग्जाम भैया प्लस टू वालों का हो सकता है, होगा CET का, लेकिन लेटरल एंट्री का नहीं है, वो परसेंटेज के व्याप पे है, डिप्लोमा में आपकी कितनी परसेंटेज है। अब मेरे नीचे बहुत सारे भाई बहनों का ये होगा कि सर जो डिप्लोमा अपीयर कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिए, भाई जो अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी है ये, जो अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पास आउट है उनके लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो डिप्लोमा उन्होंने अगर कर रखा है तो वो HBTU का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी के लिए और 65 हिमाचल वालों के लिए, तो आप हिमाचल का लीट फिल कर सकते हो। 22 तारीख को ये निकला था, 23 को मेरे को अपडेट करना था, मैंने हालांकि ये मैंने रब लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा हूँ 23 को ही, लेकिन मैं ये अपलोड मेरे को लगता है 24 को होगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं इसमें कह रहा था कि जैसे जब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा था पीछे कॉलेजेस की, आपने ध्यान दिया होगा जब मैं कॉलेजेस की लिस्ट दिखा रहा था आपको, तो इसके अंदर मैं कॉलेजेस बता रहा था, तो मैंने आपको जो अच्छे कॉलेज हैं, एक तो हिमाचल में ना एक एक दो अलग अलग यूनिवर्सिटी है दोस्तों, एक है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अलग है, उसके कैंपस के अंदर ही, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही UIIT करके एक कॉलेज है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कॉलेज बताया मैंने, UIIT, भाई तूफान कॉलेज था ये। इसके अंदर सिर्फ दो ही ब्रांच थी, एक तो कंप्यूटर और एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन 2019 मार्च 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। ये मैंने अभी HBU में आ गया हूं, तो HBU के फॉर्म भी निकले हुए हैं, मतलब UIIT के फॉर्म भी निकले हुए हैं। मैं आपको UIIT की वेबसाइट यहां पे खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, आप गूगल पे जाके लिखिएगा UIIT, ठीक है, इसके फॉर्म अलग से हैं, ये HBTU के अंडर नहीं आता, लेकिन ये बेहतरीन है, हिमाचल प्रदेश का बेहतरीन कॉलेज है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम पहले होता था यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे हिसाब से कंप्यूटर की IT की तूफान प्लेसमेंट थी और ये बहुत अच्छा था कंप्यूटर और IT ब्रांच के लिए, पर अभी इसमें क्या हुआ है 2019 में, इसका नाम चेंज होने से इसमें ब्रांचेस भी ऐड हुई थी लास्ट ईयर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई है, इसमें इलेक्ट्रिकल भी आ गई है, तो वो सारी ब्रांचेस इसके अंदर आ चुकी हैं, इसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, इसके फॉर्म आपको अलग से भरने हैं, ये HBTU के अंडर नहीं आता, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, इसमें भी डिप्लोमा लेटरल एंट्री है सेकेंड ईयर में, इसमें भी परसेंटेज के भाव पे आपको लिया जाएगा। इसकी डेट जो थी ये देखिए ऊपर लिखी आ रही है, लास्ट डेट इसकी 30 जून है, आज 24 जून है। आप ये फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं, शिमला में है ये UIIT कॉलेज, कहां पे है, शिमला में है ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसी के कैंपस के अंदर कॉलेज है और बहुत बढ़िया कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है और मैं इसको सबसे अच्छा मानता हूं भाई। उसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उनमें मैं किसको अच्छा मानता हूं, उनमें मैं आपको दिखा देता हूं, उनके अंदर मैं जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को अच्छा मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज है प्रगति नगर में,
डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है ये, जो ऊपर ज्वाला जवाहरलाल नेहरू था वो डिस्ट्रिक्ट मांडी में पड़ता है। ये कॉलेज अच्छे हैं भाई, ठीक है, कॉलेज और भी हैं, लेकिन बात हो रही है दा बेस्ट की, तो दा बेस्ट ये है। बाकी तो एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी हमीरपुर में लेटरल एंट्री नहीं है, आईआईटी ट्रिपल आईटी ऊना, उसमें लेटरल एंट्री नहीं है, तो वो कॉलेज अच्छे हैं। और भी इसमें जो कुछ प्राइवेट कॉलेज, जैसे चितकारा यूनिवर्सिटी है, एक जेपी जेपी कॉलेज सोलन में है, जेपी कॉलेज दा बेस्ट है भाई वो, हालांकि प्राइवेट है, हालांकि उसकी फीस 1.5 लाख रुपए होगी, लेकिन कॉलेज बढ़िया है भाई वो, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट बढ़िया है भाई, ग्रीन ग्रीन हिल्स, ये आपको नीचे दिख रहा होगा, प्राइवेट एफिलेशन विद द हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ग्रीन हिल सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये बढ़िया कॉलेज है भाई, ठीक है। बाकियों के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, जो मैंने ये 7-8 कॉलेज आपको बोले हिमाचल में, ये एडमिशन लेने लायक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यूआईटी शिमला उसका फॉर्म अलग से निकलेगा, वो एचबीटीयू के अंडर नहीं है, उसको भी हल्का सा मैं आपको उसका प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ, ये उसका प्रोस्पेक्टस है, इसका प्रोस्पेक्टस भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जाना, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसके अंदर ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, लीड कोचिंग इन जीसीसी, 900 बच्चे इसी लॉकडाउन में बनाया था हमने, 900 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हिमाचल वाले भाई बहन अब इसमें आके जुड़ सकते हैं, पेपर होंगे नहीं, आपके परसेंटेज के भ्याप पे आपको एडमिशन मिलेगा बीटेक में, ठीक है। इसको फटाफट से पढ़ देता हूं मैं, इसको ये बहुत छोटा सा ब्राउचर है यूआईटी का, तो यूआईटी वाले भाई हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लीट का फॉर्म बाद में भर देना, पर आज मेरी इस वीडियो के बाद जो जीसीसी के बच्चे हैं या जो जीसीसी के नहीं हैं भाई, जाके अगर कोई कंप्यूटर ब्रांच का बच्चा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बच्चा है, अगर उसको लेना है तो ये कॉलेज ले लो भाई, बढ़िया कॉलेज है भाई, सरकारी कॉलेज है, और अगर आपकी परसेंटेज बढ़िया है तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको 10/10 नंबर दूंगा भाई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को दूंगा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो कॉलेज है सरकारी एचबीटीयू में आता है उसको दूंगा, उसके बाद ग्रीन हिल्स को दूंगा, उसके बाद जेपी कॉलेज सोलन को दूंगा, चितकारा यूनिवर्सिटी को दूंगा, और भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बेस्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनको लग रहा हो मैंने स्पीड से बोल दिया, वीडियो को बाद में पीछे से जाके देख लेना, ठीक है। तो ये मैं रात को बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चल रहा है कि भाई फटाफट से, क्योंकि आज मैंने 2 वीडियो, एक हरियाणा के लिए कवर करी और एक हिमाचल के लिए, पर हिमाचल वाली वीडियो जो है वो हमारी कब आएगी, हिमाचल वाली वीडियो हमारी 24 तारीख को आएगी, 24 जून को शाम को हमारी वीडियो आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे फी वेवर प्राइस स्कॉलरशिप में आता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है सब चीज। हाँ ये देखिए, मैं आपको जिसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि बढ़िया कॉलेज है ये, 2000 पहले तो जितने भी कॉलेज अभी मैंने बोले ना, तो वो कोई 2002 में बना है, कोई 2003 में बना है, कोई 2006 में बना है, कोई 2010 में बना है, कोई 11 में बना है, तो भाई जो जितना पुराना कॉलेज होगा ना उतना बढ़िया होता है, तो ये यूआईटी ना 2000 में बना है, तो इसकी देखो 2001 से 5 में जब ये बैच पास हुआ था, तो उस टाइम पे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर कौन कौन सी कंपनी आई, पैरेट, एचसीएल टेक्नोलॉजी और ये सारी कंपनी आई थी, और कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो सिर्फ 2 ही ब्रांचें होती थी उस टाइम पे, ये 2 ही ब्रांचें कब तक होती थी बेटे, ये सिर्फ 2 ब्रांचें 2019 तक बैच में सिर्फ 2 ही ब्रांचें थी, उसके बाद अब ब्रांचेस बढ़ी हैं। ऊपर आपको ये सारी जो है जेन्युइन दिखा रखी हैं, ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सरकारी कॉलेज अगर लिखते हैं ना तो आई हैं, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, आईटी, सीएस, सीई, डबलई और ईसीई, ठीक है, और लेटरल एंट्री किन में मिलेगी, सब में मिलेगी, टोटल सीटें की 10% सीटें, टोटल सीटें की 60 हैं तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट 60 हैं तो लेटरल एंट्री की 6 हैं, इधर ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और लेकिन इनका क्या एग्जाम होगा, इसका क्या एग्जाम होगा, लेकिन लेटरल एंट्री के लिए एग्जाम नहीं है भाई, लेटरल एंट्री परसेंटेज के ब्याप पे ही लेंगे, और जो प्लस टू वाले बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम होगा, तो उनके लिए मैथ फिजिक्स का ये सिलेबस दे रखा है, सैंपल पेपर दे रखा है, वैसे ये लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते थे, पर ये COVID-19 की वजह से ये एग्जाम, इन्होंने वैसे कोई एग्जाम की डेट अभी नहीं लिखी है, नीचे नोटिस में आपको दिखा देता हूँ, फीस जो है 73,000 है, 73,000 फीस है, ठीक है। इसकी शिमला के अंदर ही है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक बहुत
कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, हिमाचल का सबसे टॉप का कॉलेज मेरी नज़र में यही है। और जो प्लस टू वाले बच्चे हैं उनका पेपर में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 33 33, ये 34 क्वेश्चन, और उनके दो दो नंबर के हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा पेपर। सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में भी हैं और आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ दिल्ली भी सेंटर पड़ेंगे इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दिल्ली वाले लोग हैं दिल्ली में दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, एडमिट कार्ड आएगा कब उसकी डेट नहीं दी हुई। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से चेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं। नीचे एक स्टेंजा दिया हुआ है, वो स्टेंजा मेरे को लगता है आपको पढ़ना, मेरे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। वो क्या है, वो देखिए, ड्यू टू अनसर्टेनिटी कॉज ऑफ कोविड-19 द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट डेट विल बी अनाउंस सेपरेटली थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट में डाल दी जाएंगी ये डेट कि एग्जाम कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन लेटर एंट्री का मैं कह रहा हूँ एग्जाम नहीं है तो काउंसलिंग कब होगी उसकी डेट जो है कोविड-19 की वजह से वो बाद में शेयर की जाएगी, इसी वेबसाइट पे आएगी। यूआईटी लिखना, UIT.ac.in पे आएगी, इसमें लिखा हुआ है आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक शेयरिंग अनसर्टेनिटी कॉज देयर फॉर द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट और नोट टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट एंड टू अवॉइड डिले इन स्टार्ट ऑफ अकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट अप्रोप्रिएट अल्टरनेट मेथड टू डिसाइड मेरिट फॉर द एडमिशन। ठीक है, अगर इन केस एग्जाम नहीं ले पाते तो ये लोग मेरिट के बेस पे एडमिशन ले लेंगे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा दोस्तों। आपको मैंने यहाँ पे इनका फॉर्म का लिंक दिखा दिया है, फॉर्म भरना कैसे है HBTU वाले बच्चों को वो बता दिया है, HBTU में बढ़िया कॉलेज कौन से हैं वो बता दिया है। अगर मेरा ये वीडियो नीचे पसंद आए आपको तो जय माता दी लिख देना, लाइक कर देना, अपने जूनियर्स को चैनल को शेयर कर देना, ठीक है, इतना तो काम कर दिया करो यार, रात के 1 बजे वीडियो बना रहे हैं, ये तो बनता है कि नहीं बनता, इतना तो बनता है भाई दोस्तों। तो ठीक है, अपनी वीडियो को एंड अपने स्टाइल से करते हैं, हाथ जोड़ेंगे परमात्मा के सामने और जोर से बोलेंगे, जोर से क्या बोलना है, नीचे जय माता दी, और इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। लव यू मेरे बच्चों, बहुत सारी शुभकामनाएं, घबराना नहीं है, आपको कोई ना कोई बढ़िया कॉलेज गवर्नमेंट जरूर मिलेगा, घबराना नहीं है, बस वीडियो को प्यार करना है और ऐसी अपना सपोर्ट बनाए रखना हमारे साथ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बाय।